जब तक हमारे गांव पंचायत में ये रिवाज चलता रहेगा कि इस बार इस बेड़े की बारी है पंचायत प्रधान बनने की, आपको पिछली बार मौका दे दिया, इस बार इस परिवार की बारी है, इस बार इस बेड़े की बारी है, तब तक विकास होना बहुत मुश्किल है। होता क्या है कायदे से कि आज की तारीख में जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, उनकी उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, लेकिन आज की तारीख में उनकी राय लेना बहुत घातक है। पिछड़ेपन को लेकर मैं बात करूंगा, मुझे बहुत गुस्सा है इस चीज का कि हमारे जो गांव के नेता हैं, गांव के बुजुर्ग लोग हैं, वो नारे लगाने के लिए बस में ठूस ठूस कर पांवटा या नाहन पहुंचाए जाते हैं, और वो जाएंगे काम धाम छोड़कर चले जाएंगे, वहां पर नारे लगाएंगे जय श्री राम, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया, लेकिन जब उन्हीं की गांव में कोई समस्या होगी तो चार लोग आपको एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के लिए नहीं मिलेंगे। पंचायत प्रधान की सोच, जब तक विकास को लेकर कोई सोच नहीं होगी तब तक कोई काम नहीं होगा। ये तब भी होता रहेगा किसी आप अनपढ़ या किसी भी व्यक्ति को प्रधान बना दीजिए, जो गलियां बननी है वो बननी ही बननी है, जो स्ट्रीट लाइटें लगनी है वो बननी ही बननी है, जो आपका काउशेड बनना है वो बनना ही बनना है, जो आपके दीवार देनी है सुरक्षा दीवार वो लगेगी ही लगेगी, इसके अलावा क्या कर रहे हैं? पूरी पांवटा विधानसभा, शिलाई विधानसभा क्षेत्र के भीतर हमें आप 12 पंचायतें बता दीजिए, 10 पंचायतें बता दीजिए जहां इन कामों के अलावा कोई काम बेहतर हुआ हो। पंचायत में लाइब्रेरी बन सकती है, जिम बन सकता है, पंचायत में आप जो है एक बैठक बना सकते हैं, रेस्ट हाउस बना सकते हैं, पंचायत में वो कौन सा काम है जो नहीं हो सकता है? पंचायत अपने आप में एक संसद है, और उस संसद में इस तरीके से काम होना चाहिए जैसे देश की संसद काम करती है। लेकिन आज की तारीख में क्या होता है, मैं खुद जिस पंचायत से हूँ वहां पर बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। हुआ क्या है कायदे से कि जो पत्रकार हैं, जिन्हें आप झोला छाप पत्रकार, मैं झोला छाप पत्रकार कहता हूँ, होता क्या है कि कोई पंचायत प्रधान काम कर रहा है, पत्रकार जिनका इनकम ऑफ सोर्स, जिनका सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, फेसबुक यूट्यूब उनका मोनिटाइज नहीं है, उनको कोई जानकारी नहीं है, उस पे वो नाटियां डाल रहे हैं, उस पे वो सांप नेवला डाल रहे हैं, उनका इनकम का साधन कोई नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो पंचायत में जाकर जहां प्रधान काम कर रहा है उसमें रोड़ा डालेंगे, वहां पर कहेंगे गलत हो रहा है, ऐसा हो रहा है, जब तक उन्हें 5,000 रुपए नहीं मिले। फिर पंचायत प्रधान डरेगा, उसको लगेगा कि नहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, तो ऐसा हो जाएगा। तो और दूसरा, पंचायत प्रधान की अपनी सोच नहीं होती है विकास को लेकर कि मैंने करना क्या है, वो क्या करेंगे कि पंचायत प्रधान बने, और जब तक पंचायत प्रधान खत्म हुई उनकी प्रधानी, तब तक उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई, अपना काम किया, आप आरटीआई लगाते रहिए, उनकी एक पूरी लड़ी बीडीओ तक एक लड़ी काम करती है, लड़ी की भांति वो काम करते हैं, और जो कागजात आप आरटीआई लगाएंगे वो बहुत बेहतरीन तरीके से उसका जवाब दे देंगे, भले ही ग्राउंड पर काम 20% हुआ हो। तो मैंने अपनी पंचायत का जिक्र किया, वहां पर इस वक्त आप जब आएंगे, कभी आप आएंगे घूमते फिरते, तो बहुत बेहतरीन काम हो रहा है, हमने कभी तंग नहीं किया ना पंचायत प्रधानों को नहीं कहीं, और लोग कहते हैं कि आप बाकी पत्रकारों की तरह नहीं जाते हैं कि उस प्रधान ने ऐसा किया वैसा किया, हमने कहा जहाँ ठीक हो रहा है वहां हम आवाज गलत न, जो है नहीं कहेंगे, अच्छा हो रहा है तो अच्छा कहेंगे, गलत हो रहा है तो गलत कहेंगे, और ऐसे पंचायत प्रधान ने ऐसी ऐसी पंचायतें हिमाचल उत्तराखंड में बहुत है, अगर पंचायतों के ही पीछे लग गए तो हमें अपने चैनल का नाम पंचायत न्यूज रखना पड़ेगा। तो विकास को लेकर ये बातें हैं, और दूसरा ये है कि पंचायत प्रधान अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है, पुल तक बन सकता है, यहाँ पर बड़ी बात है, लेकिन पुल भी पंचायत प्रधान अगर उसका काम करने की इच्छा है तो वो विधायक, वो अपने आप में प्रधान है, मैंने संसद का जिक्र किया तो वो अपने आप में प्रधानमंत्री है, उसके साथ 1,000-2,000 लोगों का मत जुड़ा हुआ है, यानी कि उसके साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, तो वो डीसी के पास जा सकता है, वो केंद्रीय मंत्री के पास जा सकता है, वो प्रधानमंत्री के पास भी जा सकता है, भले समय लगे लेकिन प्रधानमंत्री भी उसे मिलने का समय देगा। मुझे लगता है कि जितनी पढ़ाई पत्रकारिता की आपने की है आपको, और असल में मुझे लगा कि आज मेरी जो एक्चुअल में पत्रकार होता है उससे बात हो रही है, उससे संवाद हो रहा है कि भाई पत्रकारिता ऐसे की जाती है। आपने पढ़ाई की है इसलिए आपको हर चीज का जो है मालूम है कि भाई पंचायत में काम कैसे होते हैं या पत्रकारिता आपको करनी तो आपको कैसे करने हैं।